कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभाव, जीवन में वर्तमान समय में हर व्यक्ति एक दूसरे को समझाने का प्रयास करता है। जीवन में हर इंसान एक दूसरे को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन समझाने की जगह वह खुद समझ जाए तो समझ के चलना कि जीवन का एक अलग ही आनंद आएगा। आज वर्तमान में देखने में आ रहा है कि चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, चाहे कोई बुजुर्ग आदमी हो, चाहे कोई मध्यम अवस्था का आदमी हो, हर कोई किसी ना किसी को समझाने के लिए तैयार है। चाहे उसको खुद को कुछ भी आता ना हो, लेकिन वह दूसरे को बताने के लिए तत्पर रहा करता है। आज यहाँ पर हम समझेंगे समझाना, सिखाना और खाना। ये तीन शब्द ऐसे हैं कि जो हर व्यक्ति किसी न किसी को समझाने का, किसी न किसी रूप में समझाने का प्रयास करता है, लेकिन वह यदि खुद समझ जाए तो समझ के चलना कि अपने जीवन का कल्याण निश्चित है। क्योंकि आज आप हर किसी को समझाने का प्रयास करते हो कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, तुम वैसा नहीं वैसा करो। अरे, समझाने का ठेका, समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। मंदिर में आने के बाद में श्रावक को किस तरह से आचरण करना चाहिए, मंदिर में आने के बाद श्रावक को किस तरह से जैनेन्द्र भगवान की पूजन आदि करना चाहिए, यह सब चीज़ें बताने का जो जिम्मा है वह मुनियों का है, संतों का है, महात्माओं का है, पंडित पुजारियों का है। लेकिन आज यहाँ पर तो बात मंदिर की नहीं है, बात स्कूल की नहीं है, बात घर की नहीं है। आज वह व्यक्ति समझाने में लगा हुआ है जिसको खुद को समझ नहीं है। लोग मेरे पास में आते हैं, एक बार मैं कहीं चतुर्मास कर रहा था, परीक्षा पर्व का समय था, संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, तो लोग मेरे पास बैठे बैठे योजना बना रहे थे। तो एक आदमी ने कहा, एक महिला से, एक महिला ने कहा कि कल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप जरूर आइएगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। बोले, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकती। मैंने सोचा होगा कोई बात, नहीं आ सकती कोई बात नहीं। बोले, मैं नहीं आ सकती। तो लोग बोले, क्यों नहीं आ सकती? बोले, मेरे बच्चे के टेस्ट चल रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी में वह अगले साल जाने वाला है, उसके टेस्ट चल रहे हैं। तो इतने में मैंने उनसे पूछा कि बहन जी, आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है? बोले, महाराज जी, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ले रहा है, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ले रहा है। मैंने कहा, आप कहाँ तक पढ़े हो? बच्चा इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ले रहा है, मैंने कहा, आप कहाँ तक पढ़े हो? बोले, महाराज जी, मैं तो 12वीं पास हूँ। तो मैंने कहा, तुम जब 12वीं पास हो तो तुम इंजीनियरिंग वाले को क्या पढ़ा लोगे? आज हर माता कहती है, मेरे बच्चे का पेपर इसलिए मैं नहीं, अरे बच्चे को तुम क्या पढ़ा लोगे? जब खुद तुम 12वीं पास हो, अच्छे ढंग से पता नहीं हो कि नहीं हो, और तुम इंजीनियर वाले को, कंप्यूटर वाले को बोलते कि उसका पेपर है इसलिए मैं नहीं आऊंगी। अरे भैया, तुम पास में भी बैठे रहोगे ना तो तुम्हें अवसदा कुछ आएगा ही नहीं, ABCD कुछ आएगी नहीं, वो क्या कर रहा है। अब समझाने का प्रयास मत करो, खुद समझने का प्रयास। आप ये सब बहाने क्यों लगाते हो? आप ये सब बातें क्यों करते हो? आज हर किसी के मन में समझाने की बात है, सुनाने की बात है। एक था ना, मेरी आवाज सुनो। अरे भाई, तुम्हारी भी सुन लेंगे, पहले कभी दूसरे की भी तो सुनो। बस अपनी बात सुनाने का प्रयास कर रहा है, अपनी बात सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। लेकिन कभी एक बात तो ध्यान रखो, कोई भी जगह यदि वन वे होती है तो यह सक्सेसफुल नहीं होती। कोई भी वस्तु यदि वन वे होती है तो यह सक्सेसफुल नहीं हुआ करती। सक्सेसफुल वस्तु वही होती है जो आती भी है और जाती भी है। जो
आया भी करती है और जो जाया भी करती है वही सफल हुआ करती है। आप प्रयास करें कि जीवन में सुनाने के साथ साथ में सुनने का भी प्रयास करें। सुनाते सुनाते तो पता नहीं कितने जीवन निकल गए। बचपन में अपने बच्चे को लोरी सुनाई, बड़े होकर उसको डांट मार में सुनाया, बाद में अपने परिवार को सुनाया, बुढ़ापे में पकड़ पकड़ के लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहे हो। ध्यान रखिएगा, सुनाने का नहीं अभी तो सुनने का प्रयास करें, क्योंकि जो व्यक्ति सुनाने का नहीं सुनने का प्रयास करता है वह निश्चित रूप से अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। तो हम समझाने का प्रयास करा रहे हैं, सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम कभी समझने का प्रयास नहीं कर पाते। अब विचार करें, सबसे बड़ी विचार की बात यह है कि हम समझा किसको रहे हैं, हम सुना किसको रहे हैं। क्या जिसको हम समझा रहे हैं वह समझने योग्य है? जिसको हम सुना रहे हैं वह सुनने योग्य है? हम जिसको बता रहे हैं वह बताने योग्य है? इन सब आप बातों को पाओगे तो समझोगे कि हम तो जबरदस्ती दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन आदमी लेने का प्रयास नहीं कर रहा। अरे मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किसी को देने का प्रयास मत करो, किसी को देने का प्रयास मत करो, बल्कि लेने का प्रयास करो। अब लेने से मतलब ये नहीं हो जाएगा कि कल से आपने क्या कह दिया, महाराज ने कहा है देने का प्रयास मत करो, लेने का प्रयास करो, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे कि देना बंद। देने से तात्पर्य यहां पर है कि किसी को ज्यादा समझाओ मत, ज्यादा किसी को सुनाओ मत। आज हम लोग क्या करते हैं, समझाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं। समझाना, सुनाना और खाना, ये हर किसी के अंदर पैदाइशी गुण होते हैं। यह हर कोई व्यक्ति अपने पैदा होते साथ में आता है, समझाने का गुण, सुनाने का गुण और खाने का गुण। ये यदि आपके अंदर है तो आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह गुण आपके पास में है तो आपके पास में कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है, बल्कि बड़ी वस्तु तो यह होगी कि जब आप समझाने का नहीं समझने का प्रयास करते हो। एक बार एक व्यक्ति गांव से शहर जा रहा था। आप विचार करिए, यदि आपका बच्चा पहली बार US जा रहा हो, लंदन जा रहा हो, सिंगापुर जा रहा हो, तो उससे मिलने आपके रिश्तेदार, नातेदार, परिवार वाले आते हैं और आने के बाद में अपनी अपनी एडवाइस जरूर देते हैं, अपनी अपनी बात जरूर देते हैं, अपनी अपनी बात जरूर समझाया करते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर जाओगे तो वहाँ मत जाना, वहाँ पर जाओगे तो उस दुकान से सामान मत खरीदना, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर जाने के बाद में क्या करना कि वहाँ पर पहुँचने के बाद में सारी की सारी चीज़ों को सही करने का प्रयास करना। आप विचार करें कि जीवन में आपके बहुत सारी चीज़ें आपको लोग आकर समझाते हैं, बहुत सारी चीज़ लोग आकर आपको बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप उन सब की बातों को सुनते हो, आप उनकी बातों को जो समझाते हैं समझते हो, लेकिन आप अपने जीवन में वही बातें उतारते हो जो आपको अच्छी लगती हैं। और मैं तो कहता हूँ हमेशा वही बात जीवन में उतारना चाहिए जो आपके कल्याणकारी है। आप अपने जीवन में हर वस्तु को, हर व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करते हो, हर तरह की व्यवस्थाओं को सुनने का, समझने का प्रयास करते हो, लेकिन आप कभी अपने जीवन में, लेकिन आप कभी अपने जीवन में क्या वास्तविक में, क्या वास्तव में आप अपने जीवन में कोई भी कार्य ऐसा कर रहे हो जो मानव कल्याण के लिए हो, जो मानव के लिए अच्छा फल देने वाला हो, क्या वह काम आप कर रहे हो? तो आप अपने जीवन में सारा का सारा काम समझने का प्रयास करोगे। तो बता रहा था कि वह व्यक्ति जब विदेश जा रहा था तो विदेश से जब जाता है तो लोग उसको समझाने के लिए आते हैं, तुम ऐसा मत करना, वहाँ मत जाना, वहाँ मत खाना, वहाँ पीना, ऐसे तरह तरह की कार्य को वह समझाने का प्रयास करता है। लेकिन वास्तविकता में बात यह है, वास्तविकता में
बात यह है कि आप एडवाइस उतनी ही दो जितनी वह पाने के लायक हो। तो एक गांव का व्यक्ति शहर जा रहा था, तो उसको लोग समझाने आए। एक ने समझाया कि भाई गांव का माहौल नहीं है, वहां रात को भी लोग चलते हैं, गांव में तो एक समय के बाद लोग घरों में आ जाते हैं, वहां 24 घंटे चलते हैं लोग, चोरों चक्कों से सावधान रहना। एक ने समझाया कि वहां पर बहुत ठगी होती है, संभल के रहना। एक ने समझाया वहां पर तरह तरह के लोग होते हैं, फिरंगी होते हैं, अंग्रेज होते हैं, उनसे बच के रहना, वहां टैक्सी वाला लूट सकता है, वहां लूट सकता है, तारी तारी बातें बता दी। और उसके बाद में जब सारी बातें बता दी गई, सारी बातें समझा दी गई, सारी बातें क्रियाओं को बता दिया गया, तो एक आदमी ने कहा भैया कुछ करो ना करो, लेकिन एक काम जरूर करना, वहां पर शहर में हर चीज के दुगने दाम बताते हैं। शहर में कोई भी वस्तु खरीदने जाओ तो उसके हर चीज के दुगने दाम आपको बताए जाएंगे, इसलिए सोच समझ के मूल भाव के सामान खरीदना। वह गया दुकान पर, जाने के बाद कपड़े की, उसको एक शर्ट पसंद आई। शर्ट पसंद आई तो उसने पूछा दुकानदार से, ये शर्ट कितने की है? उसने कहा 100 रुपए की। पहले का जमाना था, उसने कहा 100 रुपए की। तो उसने याद आई बात कि हर चीज के दुगने दाम कहते हैं, तो उसने कहा कि 100 रुपए की है शर्ट? बोले हां 100 रुपए की। बोले 50 में दोगे? 50 में दोगे? दुकानदार बोला नहीं 50 में नहीं दे पाऊंगा। तो बोले मुझे नहीं लेना। दुकानदार ने सोचा बोनी का समय है, सुबह सुबह पहला ग्राहक आया हुआ है, खाली हाथ ना जाने दो। बोले एक काम करो मैं 80 में दे दूंगा। क्या कहा? मैं 80 में दे दूंगा। तो उसको याद आई कि शहर में जाओगे तो दुगने दाम बोलेंगे। बोले 40 में देगा? क्या कहा? 40 में देगा। बोले जी मैं इससे कम तो दे नहीं सकता। नहीं, बोले 40 में देगा तो लूंगा। तो उसने सोचा चलो ग्राहक है, कोई बात नहीं, नुकसान फायदा चलता है। बोले ठीक है मैं तुम्हें 60 रुपए में दे दूंगा, मैं तुम्हें 60 रुपए में दे दूंगा। उसने कहा 30 में देगा? क्योंकि उसको तो एक बात समझ में आ गई थी कि हर चीज के दुगने दाम बताए जाते हैं, उसको यह बात समझ में आ गई थी। तो उसने कहा 100 रुपए की, तो उसने कहा 50 में देगा, उसने कहा 80 में, तो उसने कहा 40 में देगा, उसने कहा 60 में, तो 30 में देगा। दुकानदार परेशान हो गया। अब सोचो सुबह सुबह आप घर में बैठे हो उस अच्छे मूड में और कोई इस तरह का आदमी आ जाए, मेरे पास आ जाए तो मुझे दिक्कत हो जाती है, फिर आप तो ग्रस्त हो, और दुकानदार के पास पहला ग्राहक ही ऐसा आ जाए तो परेशान हो जाता है। बोले एक काम कर, ना तू 100 दे, ना 80 दे, ना 60 दे, तो फ्री में ले जा, तो तू फ्री में ले जा। बोले 2 लूंगा। तू फ्री में ले जा, उसने कहा मैं 2 लूंगा। अरे ये संसार है, आप किसको समझाने गए? आपने उस व्यक्ति को समझा दिया जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, जिसको कोई समझ ही नहीं है कि 100 वाली चीज 60 रुपए में भी आ रही तो भी उसको तैयार नहीं। आप समझाते समय ये तो ध्यान रखो कि जो समझ रहा है, जिसको समझा रहे हो। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, समझाने से समझना ज्यादा अच्छा है, समझाने से समझना ज्यादा अच्छा है, दिखाने से देखना ज्यादा अच्छा है। समझाने से समझना ज्यादा अच्छा है, दिखाने से देखना आ ज्यादा अच्छा है, सुनाने से सुनना आ ज्यादा अच्छा है, और खाने से खिलाना ज्यादा अच्छा है। तो मैं बताया आपको समझाना, सुनाना और खाना। तो खाना हर किसी को आता है, बचपन से आदमी जन्म लेता है। आपने कभी अपने बच्चों को खाना खाना नहीं सिखाया होगा, खाना कैसे खाना, क्या चीज खाना, ये तो सिखाई होगी, लेकिन खाना कैसे खाना ये किसी ने नहीं सिखाया। लेकिन हर बच्चों को खाना आता है, लेकिन खिलाना कितने बच्चों को आता है? महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि खाना सभी लोगों को आता है, लेकिन खिलाना कितनों को आता है? यदि आपके बच्चों को खाने के साथ में खिलाना आता है तो आपको अपने बच्चों पर गर्व करना चाहिए। यदि आपके बच्चों को समझाने के साथ समझना आता है तो आपको अपने बच्चों पर गर्व करना चाहिए। यदि आपको बच्चों को सुनाने के साथ में सुनना आता है तो आपको गर्व करना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं कई बार कहता हूं, क्या आपके मन में घड़ी में जब 10 बजते हैं उस समय मन में थोड़ा सा विकल्प आता है कि हमारे दिगंबर मुनिराज आज आहारचर्या को इस समय निकल रहे हैं तो उन सबके सारे आहार संतुष्ट हो जाएं, अच्छी तरह से निर्विघ्न हो जाएं, तो समझ के चलना कि खाने का मतलब है।
आप कभी जब सब्जी खरीदते हो तो आपके मन में लौकी खरीदते समय यह भावना आती है कि एक लौकी मैं मुनि महाराज की आहार में दिया हूं। यदि आपके मन में यह भाव आ रहा है तो समझ के चलना कि भगवान ने आपको बनाकर कोई गलती नहीं करी। और यदि आपके मन में कोई व्यक्ति मंदिर में सामान लेकर आ रहा है और उस समय उसको देखकर लगता है कि यह सामान तो मैं अपने घर के लिए भी लूंगा, तो समझ के चलना कि तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो खाना आता सभी को है, लेकिन खिलाना सबको आता है कि नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। समझना सबको, समझाना सबको आता है, समझना सबको आता है कि नहीं आता, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और सुनाना सबको आता है, सुनना सबको आता है कि नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और लोग कहते हैं, महाराज जी मैं सुन सुन के परेशान हो गया, वह मेरे ऊपर बड़ी टिप्पणी करता है, वह ऐसा करता है, वह वैसा करता है, वह बहुत शोर मचाता है, वह यूं करता है। एक बार एक व्यक्ति आया बड़ी परेशानी में कि मैं परेशान हो चुका हूं, मेरे पास लोग सुनाते ही हैं, टिप्पणी करते रहते हैं, मेरे ऊपर देख देख के शोर मचाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही रहो, तुम पुण्यशाली हो, खुशनसीब हो, तुम पुण्यशाली हो, खुशनसीब हो। बोले कैसे कह रहे हो महाराज जी, लोग तो मुझे सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, मुझे मेरे ऊपर टिप्पणी करते हैं। मैंने कहा तुम खुशनसीब हो। बोले कैसे? मैंने कहा जब क्रिकेट का मैच होता है पूरा स्टेडियम छकाछक भरा रहता है, क्रिकेट का स्टेडियम होता है पूरा स्टेडियम खचाखच भरा रहता है, तो बोलता कौन है, ताली कौन बजाता है, जोर जोर से चिल्लाता कौन है, क्रिकेटर की दर्शक। हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्रिकेटर को देख के दर्शक ताली बजाते हैं, तो तुम तो अपने आप को समझो कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं जो मुझे देखकर ताली बजा रहे हैं लोग, मुझे देखकर बोल रहे हैं लोग, मुझे देखकर सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को पुण्यशाली समझो। और दुनिया में हर आदमी सुनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना सुनाने के लिए यहां पर आकर बैठना पड़ता है, जब जाकर लोग प्रेम से सुनते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर छत्तीसगढ़, सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुड़माला काला, हैदराबाद, सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन दिल्ली, अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।